व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन हाइपर टेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज HTML, दैट यू कैन सी ऑनलाइन यूजिंग अ वेब ब्राउजर. वेब पेज वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम HTML, मोस्टली HTML लैंग्वेज में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है. और इसको जो वेब पेज होता है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है? हाइपर टेक्स्ट कंटेन करता है. हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो हाइपरलिंक्स कंटेन करता है. हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट कंटेन्स हाइपरलिंक्स. फाइन, समझ आया? वेब पेज वो डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML. और HTML क्या प्रोवाइड करती है हमें? HTML हमें प्रोवाइड करती है हाइपर लिंक की फैसिलिटी, राइट. एक वेब पेज से आप जो दूसरे वेब पेज पे जाते हो, किसकी हेल्प से जाते हो? आप हाइपरलिंक की हेल्प से जाते हो, राइट. समझ में आया? तो वेब पेज इज डॉक्यूमेंट रिटन इन हाइपर टेक्स्ट, और यू कैन से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट यू कैन सी ऑनलाइन. और वेब पेज हमें कहाँ मिलते हैं? ऑनलाइन मिलते हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, और हम इसको एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर. अपने वेब ब्राउजर पे हम क्या एक्सेस कर सकते हैं? वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. मोस्ट वेब पेजेस इंक्लूड टेक्स्ट, फोटोज एंड वीडियोस एंड लिंक्स टू अदर वेब पेजेस. तो वेब पेजेस में आपको यू कैन गेट एवरीथिंग, सब कुछ मिलता है आपको. टेक्स्ट भी मिलते हैं, फोटोज भी मिलते हैं, वीडियोस भी मिलते हैं, एंड लिंक्स आल्सो, ठीक है, जिससे आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सको. ओके, अ ग्रुप ऑफ मेनी वेब पेजेस मैनेज्ड बाय वन पर्सन और अ कंपनी इज अ वेबसाइट. और वेबसाइट क्या होती है? जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, जब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस मीन्स अ वेबसाइट. और एक एक वेबसाइट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? या तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन उसको ऑर्गेनाइज करेगा, या फिर कोई वो वेबसाइट कौन ऑर्गेनाइज करेगा, या एक पर्टिकुलर कंपनी उसको ऑर्गेनाइज करेगी. फाइन, उसको मैनेज करेगी, पब्लिश करेगी. फाइन, अ वेब पेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्टेटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज. वेब पेज दो तरीके के होते हैं, स्टेटिक वेब पेज होता है, डायनेमिक वेब पेज होता है. ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वेब पेज. वेब पेज इज व्हाट इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज मोस्टली रिटन इन द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, एंड वेब पेज आर लिंक्ड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ द हाइपर लिंक्स. एंड ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट. और वेबसाइट कैन बी मैनेज्ड बाय अ वन पर्सन और बाय अ कंपनी. ओके, एंड हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टेटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस. ओके, फर्स्ट वी हैव स्टेटिक वेब पेजेस. स्टेटिक वेब पेज क्या होते हैं? स्टेटिक वेब पेज, ओके, अ वेब पेज व्हिच डिस्प्लेस सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वेन एवर अ यूजर विजिट्स इज नोन एज स्टेटिक वेब पेज. ऐसा वेब पेज जिसमें एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है, जब भी कोई यूजर उसको विजिट करेगा, उस वेब पेज को विजिट करेगा, वो सेम इंफॉर्मेशन यूजर को अवेलेबल होगी, यूजर उसको सेम इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है. तो हमने एक बार डेटा उसमें स्टोर कर दिया है, और वो वेबसाइट जो भी एक्सेस करेगा उसको वो सेम डेटा क्या मिलेगा? उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है. फाइन, अ स्टेटिक वेब पेज कंटेन्स इन्फॉर्मेशन दैट डजंट चेंज ऑटोमेटिकली. स्टेटिक वेब पेज कौन से होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिए वो हमेशा सेम रहेगी. आप चाहे कितनी बार उस वेबसाइट को एक्सेस, उस वेब पेज को एक्सेस करो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप चेंज नहीं होगी. ओके, इट रिमेन्स द सेम और स्टेटिक फॉर एवरी व्यूअर ऑफ द साइट. तो स्टेटिक वेब पेज कौन से वेब पेजेस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमेशा सेम रहती है, हमेशा स्टेटिक रहती है, ठीक है, और जितने व्यूअर्स उसको एक्सेस करेंगे वो इंफॉर्मेशन सबके लिए सेम रहेगी. फाइन, स्टेटिक वेब पेज जर्नली हैज डॉट HTML और डॉट HTML एज एक्सटेंशन. और जो हम स्टेटिक वेब पेजेस बनाते हैं वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज में बनते हैं? वो हाइपरटेक्स मार्कअप लैंग्वेज में क्रिएट होते हैं. फाइन, फॉर एग्जाम्पल, अ पेज डेट कंटेन स्कूल और कंपनी इंफॉर्मेशन, द कंटेंट ऑफ दिस पेज विल नॉट चेंज एवरी डे अनलेस द HTML फाइल इज मैन्युअली एडिटेड बाई अ प्रोग्रामर हु मेंटेन्स इट. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्कूल की इंफॉर्मेशन है या कंपनी की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या है, एक बार डिस्प्ले कर दिए तो तब तक वो डिस्प्ले सेम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले रहेगी जब तक कि आप उसको मैन्युअली चेंज नहीं करते हो, मैन्युअली उस HTML फाइल में चेंजेस नहीं करते हो. तो स्टेटिक वेब पेजेस कौन से हैं जिसपे सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है टू ऑल, फॉर ऑल द यूजर्स, फॉर ऑल द विजिटर्स ऑफ द वेब पेज, ऑफ, ठीक है.
नाउ वी हैव द डायनेमिक वेब पेज. डायनेमिक वेब पेज कौन से होते हैं? अ डायनेमिक वेब पेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द व्यूअर, द टाइम ऑफ द डे एंड द टाइम जोन, द व्यूअर्स नेटिव लैंग्वेज एंड अदर फैक्टर्स. डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक है, जैसे डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डेटा उस पर अवेलेबल होगा. अकॉर्डिंग टू द टाइम वो डेटा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन वो डेटा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स नेटिव लैंग्वेज. नेटिव क्या होता है? एक रीजन की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो डेटा चेंज होगा. एंड बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जिसके जिनके रिलेटिवली वो डेटा चेंज होता रहता है. ठीक है, ऐसा वेब पेज जिसका डेटा चेंज होता रहता है, फाइन, जिसका इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है. एन इंटरेक्टिव वेब पेज इज अ डायनेमिक वेब पेज, और ऐसा वेब पेज जिसमें जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो. आपने ओके पे क्लिक किया, लेट अस सपोज देयर इज अ बटन ऑफ ओके, तो वहां पे कुछ ओपन हो गया. ठीक है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट की और सबमिट की तो सबमिट हो गई, राइट. तो ऐसे पेजेस होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस. अ डायनेमिक वेब पेज यूजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू डिस्प्ले चेंजिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज. डायनेमिक वेब पेज क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं. ठीक है, किस लिए? चेंजिंग कंटेंट को वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए. ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड स्क्रिप्ट्स टू सॉफ्टवेयर. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को. ठीक है, स्क्रिप्ट कंटेन अ सीरीज ऑफ कमांड्स दैट अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ओके, और स्क्रिप्टिंग इंजन इंटरप्रेट्स. अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? छोटी छोटी कमांड्स सेंड करती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा सॉफ्टवेयर, क्या करेगा? उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही डेटा क्या होगा? चेंज होगा. समझ आया? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसे वर्क करती है. तो यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखो कि जब डायनेमिक वेब पेजेस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है टू चेंज द डेटा? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, दीज पेजेस ऑल्सो इंक्लूड एस्टीमेल प्रोग्रामिंग फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर. लेकिन थोड़ी बहुत हम एस्टीमेल का भी यूज करते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए. डायनेमिक पेजेस जनरली है जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो मोस्टली क्या होती है? डॉट पी एच पी. पी एच पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर. ठीक है, डॉट ए एस पी. ए एस पी स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज. डॉट जे एस पी. जे एस पी स्टैंड फॉर जकार्ता सर्वर पेजेस. ओके, इससे पहले इसको जावा सर्वर पेजेस भी कहा जाता था, राइट. डायनेमिक साइट इंक्लूड्स ई कॉमर्स साइट्स, ब्लॉग. जैसे ई कॉमर्स होता है जहां पे क्या होता है, ये हमारा बिजनेस साइट्स होती है, वहां पे डायनेमिक पेजेस को यूज किया जाता है. ब्लॉग्स में डायनेमिक पेजेस को किया जाता है. कैलेंडर्स में किया जाता है. कैलेंडर्स क्योंकि चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम. एनी साइट विद इंफॉर्मेशन डेट मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली. और ऐसी साइट जहाँ पे रोज इंफॉर्मेशन चेंज होनी चाहिए वहां पे भी किसका यूज होता है? डायनेमिक वेब पेज का यूज होता है. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.